हमें पहले ये साफ करना पड़ेगा, इसके अंदर धोएंगे। ये लकड़ी के टब जैसे बनाए होते हैं, एक इधर है एक हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं गाँव, क्योंकि कल की सफाई भी अधूरी रह गई थी और भी वहाँ पे मेरी गाय और भी वहाँ पे बहुत सारा काम है। तो मैं और पुन्नू जा रहे हैं अभी, अमन थोड़ी देर में आएगी अपने घर से, तो फिलहाल अभी चलते हैं, पहले हम लेट हो चुके हैं। पुन्नू के पास है किल्टा चकने के लिए, इसमें मशीन वगैरह है, और मेरे पास है ये, मेरे पास ये है चकने के लिए, इसमें पानी गर्म करना है। वैसे तो घर में पतीला है लेकिन छोटा है, घर में कपड़े भी है धोने को, तो मैंने बड़ा पतीला लेकर आई हूँ मैं। ले अभी हम लोग आए हैं गुत्तू और मैंने यहाँ पे आग जला दी है। जितने भी कपड़े वगैरह है, मैट वगैरह है धोने की, वो हम लोग यहाँ धोएंगे। मैंने यहाँ चूल्हा बना के आग जला दी है, इसके बाद मुझे गुत्तू साफ करना हमें पहले ये साफ करना पड़ेगा, इसके अंदर धोएंगे। ये लकड़ी के टब जैसे बनाए होते हैं, एक इधर है एक इधर है, तू धोएगी? धो ले ना। और ये बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, तो इसके अंदर इतना गंदा पानी है। मोनिका भी आप मेरे साथ कपड़े धोएगी, इसकी एंगेजमेंट का व्लॉग देखा होगा आपने, लास्ट ईयर यही दिन था वो, आज इसकी एंगेजमेंट को एक साल कंप्लीट हो चुका है। और आज ये पिछले साल भी मैं यही थी इसके घर के पड़ोस में, और आज भी यही हूँ। अभी अमन भी आ चुकी है और अब ये धो रही है कपड़े, अब थोड़े से ही रह गया, सारे ख़त्म हो गए, मैंने नीचे डाल दिए सुखाने को। और इधर अब दो तीन कंबल रह गई है। फाइनली हमारा काम हो चुका है, और अब इससे बचा कुचा जो पानी है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर।
लोग भीग चुके हैं और दीदी भी भीग चुके हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये काम हो चुका है और इसके साथ ही हमारे हालात आप देख सकते हैं। मैं तो पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जो नाला है जिससे नाला पानी धोते हैं कपड़े वो बहुत ऊंचा है और मैं सिर से लेकर पैर तक पूरी भीग गई हूँ। हमारे हालात ऐसे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। इतनी रात हो चुकी है और हम लोग अब भी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे रास्ता। फाइनली आज हमारा काम ख़त्म हो गया और शक्ल की तो पूरी तरीके से बैंड बज गई है। आज हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर ही दिया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं और काका चल पड़े हैं नालियो, जो कि हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा दूर है और व्लॉग में आज तक मैंने कभी वो दिखाया भी नहीं है। मैं गई नहीं काफ़ी टाइम से, आज जा रही हूँ। मेरी पीठ पर है जो भी औजार हमें लगने हैं वो, और हमारा लंच में और काका दो ही जा रहे हैं क्योंकि पापा जा रखे हैं ड्यूटी और मम्मी को घर में थोड़ा बहुत सा काम है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, हम पहुंच गए गांव के रोड में। यहां से ऊपर जाने में अब भी लगभग हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाने हैं शायद, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए और हमें जाना है वहाँ ऊपर। यहाँ जाइए, थोड़े से घर दिख रहे इधर पीछे को, यहाँ पे जाना है हमने। अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अभी हमें यहाँ पर भी इतना सारा काम करना है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या कुछ हमें करना है और हम कहाँ से आए। इधर देखिए, जिधर हमें सारे ही इधर पूरा खेत क्लियर करना है, इस तरीके के जो सेब के डंडे हैं वो उठाने हैं पूरा। आज मुझे लगता है आज नहीं हो पाएगा। और हम लोग आए इधर नीचे से, यहाँ नीचे ये है हमारा गांव, ये नीचे वाला, इससे भी नीचे से हम लोग आए हैं और इतना थक चुके हैं ना, अभी पूरी बैंड बज गई है। घर से निकले थे हम लोग 10 बजे और अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, 11:30 बज गए। यहाँ पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा लग गया। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही काम स्टार्ट करेंगे। नीचे वाला पोर्शन तो हमने पूरा कर दिया है, लाइनें भी इस पर बना दी और साफ भी पूरा कर दिया। अब रहता है ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पूरा करना है अब। गुड मॉर्निंग, तो कल मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे और मुझे ध्यान भी नहीं था शूट करने का। तो आज है नेक्स्ट डे और हम फिर से आ चुके हैं इसी खेत में क्योंकि कल भी थोड़ा सा काम रह गया था, रात हो गई थी। तो हमने थोड़ी सी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये वाला रह गया था और इधर पीछे वाला पोर्शन रह गया था, ये करना है। और आज खाद लेकर भी आ चुके हैं, इधर पापा पहुंच गए खाद लेकर, पर मम्मा आ रहे हैं नीचे सड़क तक, तो गाड़ी में लेके आए थे वहां से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो आज यहां खाद भी डालेंगे, दवाई भी लेकर आए हैं, स्प्रे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आज, यहां का काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक कट्टा इधर काका लेके आ रहा है, इससे चके नहीं जा रहा। फाइनली पूरे खेत का काम हो चुका है, खाद वगैरह इधर डल चुकी है, स्प्रे भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब हमें घास लेकर जाना है यहाँ से, इस डेरे से, ये जो हमारा डेरा है इसके अंदर घास रखा है, ये लेके जाना है। बाकी यहाँ का काम हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो परसों तक जब दूसरी स्प्रे होगी यहाँ पे उस दिन आएंगे। तो